नमस्कार, शाजरीता ब्लॉक में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, सुबह सुबह ईशा चली गई है तो इसलिए मेरा नहाना आज हुआ नहीं, क्योंकि मैं अकेले से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में पानी घुस जाएगा, तो आज मैं सुबह नहाई नहीं। मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आ जाएं, तो मेरे हस्बैंड जल्दी शाम को आ गए तो फिर मुझे नहला दिए। तो यही वजह है कि मेरे को थोड़ा देर भी हो गया और शाम को मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ईशा सुबह सुबह चली गई, लगभग 5 बजे के आसपास, 5:10-15 को निकल गई है वो, क्योंकि हस्बैंड को वापस ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए आज मेरा नहाना सुबह को हुआ। और जब वो ईशा को छोड़ने जाते हैं तो लंच कैंटीन से ही ले लेते हैं, तो मेरा तो जैसे तैसे मैं खा ली। और शाम की वक्त हम लोग यही बनाए थे, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी अचानक से मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है, तो अभी फ्रिज को रिपेयरिंग होने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं चल रहा है। और मछली जो है वो जितना एक दिन में खा सकते हैं उतना ही लाया जा रहा है, तो ये बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ और खाना खाने के बाद इनको मैं बंद करके शाम को फिर घूमने चली जाऊँगी। सामने में कीर्तन हो रहा है, तो कीर्तन, नाम कीर्तन बोलते हैं हम लोग, तो ये 7-8 पहर का नाम कीर्तन चल रहा है, तो मैं वहाँ जाकर थोड़ा बैठूँगी, तो इसीलिए मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ। बिखरा हुआ घर किसे पसंद है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रिज के बगैर एक दिन दो दिन बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। एक तो आदत हो जाती है जब फ्रिज की, तो फ्रिज के बगैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। से सारा खाना जो रखा हुआ था, बना हुआ खाना था, वो पूरा वेस्ट हो गया। ये सबसे ज़्यादा दुखद है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने एक हाथ से बनाती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ। बच्चे आई है तो इस वजह से, लेकिन फिर भी वेस्ट तो हो गया ना, यही बात है। यहाँ तीनों तरह की पूजा हो रही है और इस पूजा में आप भी शामिल हो जाइए मेरे साथ कीर्तन में। ज़्यादा देर तक वहाँ रुकी नहीं, लगभग 10-15 मिनट वहाँ पर बैठी हूँ। मंदिर के सामने बैठना पड़ता है तो बैठ गई। उसके बाद में मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेडिसिन लेना था, तो हम 6 बजे करीब घर बैक किए। तो घर आते ही मेरा जो बाकी काम था, वो सबसे पहले अंजना बर्तन को धो के गई है तो उसे मैं समेट रही थी। हस्बैंड आ चुके हैं तो वो आलू वगैरह लेके आए हैं, प्याज वगैरह लेके आए हैं, तो ये सब करके मैं तुरंत अपना काम करके और एक जगह चुपचाप बैठने की कोशिश की, क्योंकि मेरे बच्चा जो है वो बहुत परेशान कर रहा है मुझे। वैसे भी फ्रेंड, बच्चों को अकेले छोड़ दे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अपने मनमानी करने लगते हैं, तो ये अभी इसकी जो उम्र है ये 4 से 5 महीने की हो गई है बच्ची, तो ये बच्ची जो है वो खटिया के ऊपर में आराम से चढ़ जाती है, बॉक्स में, सोफे में चढ़ जाती है, एकदम से जम करके चढ़ती है, उतरती है, कहीं लग जाएगा उसका भी एक डर लगा रहता है, और वो जंप करती है तो काफ़ी दूर तक भागते हैं ये लोग। तो वही है कि छोटे बच्चे हैं, इनको संभालना भी है, तो मैं वही अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से मैं सबको करके मैं बच्चे को लेके बैठती हूँ, तुम गुस्सा मत करो, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं, बच्चों को चोट लगती है तो नाराज़ हो जाते हैं, मुझ पर बोलते हैं कि तुम केयर नहीं कर पाती हो बच्चों को ढंग से। ये आज सुबह की बात है, आज सुबह नहा धो करके मैं पूजा दिखा रही हूँ भगवान जी को, और प्रे करने के बाद में मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाने लग गई, क्योंकि फ्रिज तो ख़राब हो गई है, मैंने आपसे शेयर किया था, तो फ्रिज की जो कंप्लेंट है वो हम लोगों ने दर्ज करवा दी है, अब वो कब आएंगे पता नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एकदम खाना बना रही हूँ, जितना मिनिमम बनाया जा सकता है, क्योंकि दो लोगों में हम जितना भी कम बनाएं वो ज़्यादा ही हो जाता है। आजकल इतनी गर्मी पड़ी हुई है कि सुबह नींद से उठो तो सबसे पहले नहाने का मन करता है, शरीर एकदम से गर्मी में मचलने लग जाता है, तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले परवल भूंजी और थोड़ा सा मूंग का दाल बिठा दी एकदम तड़का लगा के,
और साथ में आलू कच्चा केला की सब्जी बनाई हूँ एकदम से प्लेन, और इसमें किसी तरह का कोई मसाला और टमाटर भी नहीं डाली ताकि वो ख़राब ना हो। और चावल में फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा करेला भी डाल दी हूँ और चावल बना दी हूँ, बस यही बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सुबह जो है कपड़े मेरे हस्बैंड नीचे दे के गए थे ऑफिस में जाने से पहले, बहुत सारे कपड़े यहाँ पर जम गए हैं, मैं इसको रात में ही धोई थी तो ये सूख भी गए हैं सुबह तक में, और ये सब कुछ अच्छे से छोटे करके फोल्ड कर रही हूँ। मेरे से जैसा बनता है मैं वैसे ही फोल्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक नहीं बन रहा है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जैसा बन रहा है मैं वैसे ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हाथ ज़्यादा मोड़ नहीं सकती हूँ। तो जो भी है फ्रेंड्स ज़िंदगी है, बहुत तकलीफ़ से सबको गुजरना पड़ता है, मुझे भी गुजरना पड़ रहा है अभी। बात यह है कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है तो कोई हमारी तरह सफ़र में उम्र भर काट रहा होता है। यूं ही किसी को कुछ भी नहीं मिल जाता फ्रेंड, है ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो बचपन से ही बड़े होते तक बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना हम लोगों ने किया है। मेरा ये जो घर बना हुआ है वो इतनी जल्दी मैं बना लिया, लेकिन जीवन की जो शुरुआत समय थे वो मुझे ही मालूम है, मेरे हस्बैंड और मुझे ही मालूम है कि हमने अपनी बच्ची को कैसे पाला और कैसे ये घर हम लोगों ने बना लिया। सब कुछ इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड, बहुत तकलीफ़ बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके ही हम लोगों ने ये घर बनाया है, तब जा कर के अभी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ देख पा रहे हैं। पहले हम लोगों ने जीवन की शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किए फ्रेंड, ये मैं शुरुआत की हूँ घर में, सुई से लेकर सब कुछ एवरीथिंग मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने बनाए हैं, कुछ बाहर से कुछ भी नहीं आया घर में, सब कुछ मैं और प्रशांत दोनों ने मिलकर बनाया है। प्रशांत ने तो मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है फ्रेंड, उनका तो मैं कभी ऋण उतार ही नहीं सकती हूँ, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, कभी उनकी बातें अगर मैं करूंगी तो मैंने मेरे तो मेरी सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, उनकी इतनी ऋण है मुझ पर। वो मेरे परिवार वालों के लिए भी बहुत किए हैं और मेरे लिए तो किए ही हैं, मेरी बच्ची के लिए मेरे लिए बहुत किए हैं, जितना भी मैं कहूँ उतना ही कम है। काम हो गया है, अंजना भी चली गई है, मेरा भी सब काम हो गया है, मैं थोड़ा सा बैठ कर के कुछ पुस्तक पढ़ूँगी, थोड़ा हनुमान चालीसा ये सब भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगी बहुत जल्द अगले किसी ब्लॉग में, तब तक लेकिन बाय।